हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब मैं हूं किशोर तेजवानी आप लोगों का मैथमेटिक्स मैं स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन में जो प्रोवाइड करता है आपको 100 परसेंट क्वालिटी और फ्री एजुकेशन गंड गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से यूपी बोर्ड से दिल्ली बोर्ड से बिहार बोर्ड से राजस्थान बोर्ड से एमपी बोर्ड से तो यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं वो भी एकदम फ्री और यहां पर आप लोगों को मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन की और एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं और अगर आप लोगों को ई बुक्स या ई नोट अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केवल है आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं सर आज के इस लेक्चर में हम लोग ऐसा क्या खास पढ़ने वाले और सर इससे पहले वाला जो था ना सर इंट्रोडक्शन पार्ट सर क्या बताएं मजा आ गया सर एकदम पोलिनोमियल का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था सर बढ़िया मजा आ गया सर एकदम क्या ही बोले कुछ बोल नहीं सकते सर बढ़िया एकदम सब बढ़िया तरीके से लीनियर पोलिनोम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल जितने भी पोलिनोमियल थे सर सब यहां नहीं यहां बस गए हैं अब सर आज क्या पढ़ना है मैंने बोला आज पढ़ना है क्लास टेंथ मैथमेटिक्स पोलिनोमियल चैप्टर नंबर टू में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल अब सर यहां पर अपने को क्या समझना पड़ेगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसका सर जीरोज पोलिनोमियल सर जीरोज क्या होते थे तो जीरोज को हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं देखो जीरोज हम लोग क्या बोलते थे कि मान के चलिए अगर आपके पास एक पोलिनोमियल है टू एक्स प्लस थ्री ठीक है और अगर आपको इसको जीरो फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको पोलिनोम की वैल्यू एज अ होल क्या लेनी पड़ेगी जीरो लेनी पड़ेगी तो यहां पर आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा पीएक्स बराबर जीरो लेना पड़ेगा जब आप लोगों ने पीएक्स को जीरो लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा टू एक्स प्लस थ्री आ जाएगा और आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया टू एक्स प्लस थ्री बराबर हमारे पास जीरो प्लस का थ्री जब राइट साइड में गया तो हो गया टू एक्स बराबर माइनस का थ्री और एक्स बराबर माइनस का थ्री बाई टू ठीक है सर मतलब सर ये जो एक्स की वैल्यू है ये सर जीरो है इस पॉलिनोमियल का तो मैंने बोला हाँ ये जो एक्स की वैल्यू है ये जीरो है इस के लिए मतलब सर जब हम एक्स की वैल्यू माइनस का थ्री बाय टू इसमें डालेंगे तो सर यहां पर हमको वैल्यू जीरो देगा क्या पॉलिनोमियल मैंने बोला हाँ यहां पर आप लोग पुट करो एक्स बराबर माइनस टू बाई थ्री इस पॉलिनोमियल में तो लो टू मल्टीप्लाई बाय माइनस का टू बाय थ्री टू बाय थ्री नहीं थ्री बाय टू एक्स की जगह पे हमें कितना रखना है माइनस का थ्री बाय टू तो रखा माइनस का थ्री बाय टू प्लस का थ्री यहां से टू से टू कट गया आ गया हमारे पास माइनस थ्री प्लस थ्री कितना जीरो तो हाँ सर ये जो वैल्यू मिली हमें ये क्या कहलाएगी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जीरो ऑफ पॉलिनोम क्लियर हो गई बात बढ़िया तरीके से तो ये था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अब सर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो ले लिया ठीक है लेकिन सर ये चीज ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है देखो अब जो आपको जीरोस मिल गए मतलब जो एक, आपको एक्स की वैल्यूज मिल गई है ना ध्यान रखना लीनियर में आपको एक्स की वैल्यू एक मिलेगी क्वाड्रेटिक में आपको एक्स की वैल्यू दो मिलेगी क्यूबिक में एक्स की वैल्यू तीन मिलेगी बाय क्वाड्रेटिक में एक्स की वैल्यूज चार मिलेंगी ठीक है और कांस्टेंट में कितनी मिलेगी और जीरो में कितनी मिलेगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ठीक है तो अभी जो हमें बात करनी है वो करनी है लीनियर और क्वाड्रेटिक की सर ये जो मेन पूरा चैप्टर चल रहा है ये किसके ऊपर चल रहा है सर ये पूरा जो चैप्टर चल रहा है ये क्वाड्रेटिक के ऊपर चल रहा है क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोम ही अपने को इसमें क्या करना है मेन पढ़ना है ठीक है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोम अगर अपने को मेन पढ़ना है इसमें तो हम लोग शुरू कर लेते हैं अपना ठीक है सर शुरू कर लेते कोई दिक्कत नहीं है हमें चल बात करेंगे हम लोग लीनियर पोलिनोम की अब सर लीनियर पोलिनोम क्या होता था सर लीनियर पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होता था जिसमें सर जनरल फॉर्म आपका क्या होता था जनरल फॉर्म होता था सर आपके पास ए एक्स प्लस बी है ना और जहां पर हम लोग क्या बोलते थे कि ए हमारा क्या नहीं हो सकता ए हमारा जीरो नहीं हो सकता अगर ए जीरो हो गया तो वहां पर सिर्फ बचेगा बी या फिर एक नंबर तो वो काय में आ जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आ जाएगा अच्छा अगर बी की जगह जीरो हुआ तो वो जीरो पॉलिनोमियल में भी आ सकता है ठीक है सर समझ गए बढ़िया तरीके से अब इसको पढ़ते है. ग्राफ ऑफ अर पॉलिनोम फंक्शन ऑलवेज फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन ध्यान से समझना बहुत ज्यादा ध्यान से जो ग्राफ जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन का वो हमेशा क्या बनाएगा एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा एंड इज रिप्रेजेंटेड एज वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी उसको क्या बोल देंगे हम लोग y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जहां पर y आपका क्या हो जाएगा एक है y क्या है आप लोगों के पास एक है जिसका जनरल फॉर्म आपके पास ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है ना वही है ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में अब मान लीजिए आपके पास एक पोलिनोमियल है px बराबर टू एक्स प्लस थ्री क्या है आपके पास px बराबर टू एक्स प्लस थ्री अब क्या करें सर इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें तो अब आ जाओ मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में अगर जाता है क्योंकि यहां पर बोला है कि इसका जो ग्राफ हमेशा फॉर्म होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में फॉर्म होगा तो वो कैसे हो रहा है है हाँ? ना वो चीज कैसे हो रही है ग्राफ में वो हम लोग यहां पर देखेंगे सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है आपको लिखना है पोलिनोमियल कितना है वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री अब ये जो है इसके लिए आप लोगों को बनाना है सबसे पहले एक बॉक्स बनाया बॉक्स के बाद आपको यहां पर लिखना है क्या आपको यहां पर ऐसा काम करना है ध्यान से समझना आप यहां पर x की वैल्यू डालोगे और यहां पर y की वैल्यू डालोगे बहुत ज्यादा ध्यान से समझना बहुत ही आसानी से जल्दी से निपट जाएगा ये सर x की वैल्यू हमें डालनी पड़ेगी तब जाके y की वैल्यू आएगी x की वैल्यू हमें डालनी पड़ेगी तब जाके y की वैल्यू आएगी सर सर x की वैल्यू क्या डाले अच्छा मैं मालूम है कैसे करता था मैं पहले एक बार x की जगह पे जीरो रखता था तो मेरे पास y की वैल्यू आती थी फिर मैं एक बार y की वैल्यू को जीरो रखता था तो मेरे पास x की वैल्यू आती थी तो यहीं पे हम लोग सेम खेल खेलते हैं ठीक है यहां पे हम लोग अगर x की जगह पे जीरो डालेंगे तो y हमारे पास कितना आ जाएगा सर टू जीरो प्लस थ्री वाई आ गया सर थ्री थ्री आ गया वाई कितना आ गया हमारे पास थ्री आ गया अब जब हम वाई की जगह पे जीरो डालेंगे तो एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा जब हम y की जगह पे जीरो डालेंगे तो हमारा x कितना आ जाएगा देखो यहां पर देख लो y की जगह पे डाला जीरो बराबर टू एक्स प्लस थ्री प्लस का थ्री लेफ्ट साइड में आ गया हमारे पास माइनस का थ्री बराबर टू एक्स एक्स आ गया हमारे पास माइनस का थ्री बाय टू क्लियर हो गया क्लियर हो गया सर तो एक्स आ गया हमारे पास माइनस का थ्री बाय टू ठीक है सर ये जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है सर आप इसको आराम से कर दीजिए हमें इसकी अब कोई भी जरूरत नहीं है अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग देखेंगे इसका ग्राफ कैसा जा रहा है ठीक है चलो यहां पर मैंने बनाया जीरो जिसको मैं ओरिजन बोलता हूं ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस ये हो गई मेरी नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सेस ये हो गई मेरी वाई एक्सेस पॉजिटिव वाली और ये हो गई मेरी वाई, एकस वाई डैश अब यहां पर जो वैल्यू जा रही है माइनस थ्री बाई टू को मैं क्या लिख सकता हूं माइनस का वन पॉइंट फाइव भी लिख सकता हूं जब पूरा डिवाइड कर दूंगा तो मैं यहां पर सब जगह पे फोर तक वैल्यू ले रहा हूं है ना वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर अब बहुत ज्यादा ध्यान से x की वैल्यू जीरो पर y की वैल्यू कितनी आई थ्री आई x की वैल्यू जीरो पर चेंज कर लेता हूं मैं कलर x की वैल्यू जीरो पर y की वैल्यू कितनी आई थ्री आई ठीक है सर y की वैल्यू जीरो पर x की वैल्यू कितनी आई माइनस का वैल्यू y की वैल्यू जीरो पर x की वैल्यू कितनी आई माइनस का वन पॉइंट फाइव आई माइनस का वन पॉइंट फाइव कहीं यहां पर लाया करेगा ठीक है सर करेगा अब यहां पर अगर हम लोग इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो अपने को ध्यान से समझना ये देखो कुछ ऐसी लाइन बनेगी क्या कुछ ऐसी लाइन बनेगी क्या बनेगी सर और यहां पर अब हमारे पास पॉलिनोमियल कैसा था सर लीनियर पॉलिनोमियल था अब लीनियर पॉलिनोमियल था तो लीनियर पॉलिनोमियल में जो अगर हम लोगों ने बातें करी थी तो बात क्या करी थी कि सर ग्राफ जो लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन का जाएगा वो हमेशा एक्सप्री स्ट्रेट लाइन में जाएगा वो हमेशा क्या जाएगा एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा क्या ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है जा रहा है 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 सर सर ये जो है, ये जो लाइन कौन से की है? तो मैंने बोला वाई बराबर थ्री की है अच्छा सर मेरा ना ये कोऑर्डिनेट लिखने का मन हो रहा है बहुत तो मैंने बोला ठीक है ये कोऑर्डिनेट लिख देते हैं यहां पर y में x होगा क्या बोले नहीं होगा जीरो होगा तो y होगा क्या बोले हाँ y होगा थ्री होगा ठीक है समझ गए सर मेरा ना ये वाला कोऑर्डिनेट लिखने का भी बहुत मन हो रहा है ये पॉइंट जो होगा ये क्या होगा मैंने बोला एक्स पर है बोले हाँ है एक्स पर कितना है बोले वन पॉइंट फाइव है अच्छा एक्स पर वाय होता है क्या नहीं होता सर समझ गया सर समझ गया मतलब सर लीनियर पॉलिनोमियल का जब भी ग्राफ जाएगा वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा सर वो ऐसा भी जा सकता है 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 कैसा भी वो सर जा सकता है पर वो हमेशा स्ट्रेट जाएगा अच्छा ठीक है सर एक बात और समझनी थी सर मान लीजिए कि सर यहां पर हम लोगों ने एक्स के लिए वैल्यूज निकाली थी मैंने बोला हाँ ठीक है एक्स के लिए वैल्यूज निकाली थी आगे बोलो सर यहां पर ना अगर वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पूछता विद दी हेल्प ऑफ ग्राफ अगर हमें ग्राफ की मदद से जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पूछता तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ ग्राफ फंक्शन काय में है एक्स में सर वेरिएबल इसका मेन एक्स है वेरिएबल जो मेन है इसका एक्स है ये तो एक पोलिनोमियल है अच्छा वेरिएबल एक्स है अब अगर आप लोग जीरो ऑफ पोलिनोम निकालते तो आप लोग वहां पर क्या निकालते एक्स की वैल्यू निकालते आपको सिंपली देखना है ये जो लाइन जा रही है ना वाइट कलर की सर रेड ये, ये वाला अच्छा ये पॉइंट यही पॉइंट तो उसका जीरो है मतलब सर माइनस वन पॉइंट फाइव क्या बोल रहा है सर माइनस वन पॉइंट फाइव इसका जीरो है मैंने बोला हाँ ये इसका जीरो है बोले सर एक बार वेरीफाई करके देख लें क्या मैंने बोला करके देख लो आपको सिंपली क्या करना है ये जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा ना इसका जब आप एक लाइन बनाओगे इसकी जब आप एक लाइन बनाओगे तो वो एक्स एक्सिस पर कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वो देखना है मेक श्योर sure कि वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी क्योंकि वो लीनियर है क्योंकि वो लीनियर है वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वो जो पॉइंट होगा ना वो जो पॉइंट होगा ना वो जीरो होगा उस पोलिनोम का अब देखो ये है कितना माइनस का वन पॉइंट फाइव अब ये इसका जीरो है कैसे सर वाई बराबर टू एक्स प्लस थ्री होता है मैंने बोला होता है सर अगर हमें इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है तो हमें वाई की जगह पे या सर वाई छोड़ो अभी हम लोग इसको क्या लेट कर लेते हैं? सर पी एक्स क्योंकि सर पी एक्स बहुत अच्छे समझ में आता है अगर सर हमें इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है तो सर हमें पॉलिनोमियल को एज होल लेना पड़ेगा जीरो मैंने बोला हाँ। जब सर हम एज अ होल इसको जीरो लेंगे तो सर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो मैंने बोला देखो टू एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो और एक्स बराबर आपके पास आ जाएगा माइनस का थ्री बाय टू बोले हा सर सही है सर और सर x की जगह पे अगर माइनस का थ्री बाई टू आ रहा है मतलब वो माइनस का वन पॉइंट फाइव है मतलब वो माइनस का वन पॉइंट फाइव है समझ गया सर बहुत अच्छे से समझ गया अभी नहीं समझे अभी और समझो अभी और समझो ध्यान से समझना ठीक है ध्यान से समझना ज्यादा जल्दबाजी भी अच्छी बात नहीं है आराम आराम से करेंगे लेकिन बढ़िया तरीके से करेंगे तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास जो भी एक पोलिनोमियल फंक्शन होगा लीनियर की बात कर रहे हैं जैसे हमारे पास y बराबर टू एक्स प्लस थ्री ही था यहां पर वेरिएबल में हाईएस्ट पावर कितनी है वन है ध्यान रखना इस लीनियर पॉलिनोमियल की खासियत समझो इस लीनियर पॉलिनोमियल की खासियत समझो लीनियर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाइएस्ट पावर होगी हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है ना हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वो कितनी होगी वन 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 क्या होता है यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो पॉसिबल है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो सिर्फ एक ही जीरो पॉसिबल है सर सिर्फ एक ही जीरो पॉसिबल है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो का मतलब है वैल्यू ऑफ वेरिएबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल वो भी एक ही पॉसिबल है सर अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है तो वहां पे वेरिएबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल भी तो एक है हाँ सर है ना इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सेस कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा सर लीनियर पोलिनोमियल एक बार करेगा अगर उसका वेरिएबल एक्स है जैसे यहां पर एक्स था तो एक्स एक्सिस पर एक बार इंटरसेक्ट करेगा अगर वेरिएबल वाई है तो एक्सिस पर एक बार इंटरसेक्ट करेगा कौन सी बड़ी बात है समझ गया सर सर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की बन रहेगी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इसमें बन रहेंगे वैल्यू वेरिएबल की एक ही पॉसिबल है इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट पर समझ गए बात को पक्का एक बार जल्दी से नोट कर लो एक बार जल्दी से नोट कर लो फिर हम लोग और एग्जाम्पल देख लेते हैं क्लियर हो गया पक्का ठीक है सर क्लियर हो गया बहुत अच्छे तरीके से लेकिन सर एक बार और अच्छे तरीके से हो जाए क्या एक बार और अच्छे तरीके से हो जाए मैंने बोला और अच्छे से तरीके से कर लेते हैं देखो भाई अब लीनियर में ही हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बोले सर ले लो यार मजा आ जाएगा अच्छा जब हम लोगों ने लीनियर में एक और एग्जाम्पल लिया तो हम लोगों ने लिया फाइव एक्स माइनस एट क्या लिया फाइव एक्स माइनस एट ठीक है सर इसमें भी हम लोगों को क्या ही बनाना पड़ेगा बॉक्स बनाना पड़ेगा लो सर बना दिया अब क्या करना पड़ेगा मैंने बोला सेम टू सेम काम है ज्यादा घबराने वाली बात ही नहीं है यह हुआ एक्स और यह हुआ हमारा पी एक्स सिंपली क्या करना है एक बार एक्स की जगह पे जीरो लेना है एक्स की वैल्यूज़ लेते जाओ पीएक्स निकलता जाएगा हाँ सर निकलता जाएगा सर एक्स की वैल्यू जीरो ले ली अब एक बार मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं जब आपने एक्स की वैल्यू जीरो ली तो आपके पास पीएक्स कितना माइनस एट आया सर मैंने बोला ठीक है माइनस एट आ गया अब चाहो तो एक बार पीएक्स की वैल्यू जीरो ले लो तो आपके पास कितना आ जाएगा एट अपॉइंट फाइव आ जाएगा कितना आ जाएगा एट अपॉइंट फाइव देखो एक बार आप लोग पी एक्स को जब जीरो लोगे तो ये हो जाएगा फाइव एक्स माइनस एट तो ये हो जाएगा फाइव एक्स माइनस एट बराबर जीरो और फाइव एक्स बराबर एट तो एक्स बराबर एट अपॉन फाइव फाइव वन जा फाइव और पॉइंट लग जाएगा जीरो बढ़ जाएगा फाइव सिक्स जा थर्टी वन पॉइंट सिक्स कितना वन पॉइंट सिक्स ठीक है सर ये बात भी हमें बहुत अच्छे तरीके से आ गई सर अब सर करके देखते हैं कि सर ये काम जो करता है वो कैसे करता है तो यहां पे सर हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब सर जब हमने इसका ग्राफ बनाया तो सर ये तो हो गई एक्स एक्स ये हो गई वाई एक्सेस एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश ये हो गया सर जीरो जीरो नहीं सर ओरिजिन हाँ ओरिजिन सर जीरो जीरो सर ओरिजिन बात देखिए एक सर एक्स की जगह पे जीरो तो वाई की जगह पे माइनस एट आया सर वाई की जगह पे माइनस एट सर हम लोग अभी ना एक काम करते हैं इतना जल्दी जल्दी नहीं हो पाएगा लेकिन हाँ सर ये रहा वन ये रहा टू ये रहा थ्री ये रहा फोर और ऐसे ही करते करते सर आ जाएगा हमारे पास सर एक बात तो बताओ मैंने बोला कौन सी देखो सर जब अपन लोगों ने इसके लिए ग्राफ बनाया था जब हम लोगों ने इसके लिए ग्राफ बनाया था तो सर जो हमारा ग्राफ गया था वो एक्स की जगह जीरो रखने पर वाई की जगह थ्री तो सर हम लोगों ने जो वैल्यूज ली थी मैक्सिमम वो कितनी ली थी सर थ्री तो चार तक वैल्यू ले ली थी सर तो इधर हम लोग कितनी ले सर मैक्सिमम वैल्यू मैंने बोला इधर भी यार हम लोगों को थोड़ी ज़्यादा ही लेनी पड़ेगी अगर एट तक जा रहा है तो हम लोगों को नाइन तक लेनी पड़ेगी तो यहाँ पर आप लोग लेते रहना वैल्यू ठीक है मेरे पास थोड़ा ग्राफ अभी छोटा बना हुआ है इसलिए मैं ऐसी ही वैल्यूज लेते चलूंगा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव ठीक है सर ये हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सर नेगेटिव में देखो अब थोड़ा छोटा बना लेते हैं अपन x की वैल्यू जीरो पर अब फोकस इधर होना चाहिए x, per, eight, x पर, भाईच्ट भाईच्ट की वैल्यू जीरो मतलब तो पर y की वैल्यू माइनस एट या पीएक्स की वैल्यू माइनस एट अब x की वैल्यू जीरो पर की वैल्यू आ रही है y पर, x पर, x की वैल्यू पॉइंट सिक्स एक्स की वैल्यून पॉइंट सिक्स कहीं यहां पर आएगी ये लाइन बनी कि नहीं बनी जल्दी सोचो एक बार वो ही लाइन बनी कि नहीं बनी बनी कि नहीं बनी समझ आई बात तो ये वाली जो लाइन बनी है ये कौन सी इक्वेशन की है ये है फाइव एक्स माइनस एट की लाइन ठीक है और ये कोऑर्डिनेट का नाम क्या होगा ये कोऑर्डिनेट पे आपके पास वन पॉइंट सिक्स एक्स एक्स पर है लेकिन एक्स पर वाई तो होता ही नहीं है तो वाई हो गया हमारे पास जीरो अब ये वाला पॉइंट देखो ये वाला पॉइंट जो है ये पर है तो एक्स यहां पर होगा नहीं लेकिन यहां पर होगा माइनस का एट क्लियर हो गई बात क्लियर हो गई सर सर ये एट लिखने में ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा यहां पर ना अच्छा ये लग रहा है कि सर पी एक्स बराबर फाइव एक्स माइनस एट मैंने बोला ठीक है वो भी कोई दिक्कत नहीं अच्छा सर आपने अभी बताया कि सर जब ये वाली लाइन जब ये वाली लाइन एक्स स्ट्रेट लाइन जब एक्स एक्सिस पर जहां पर इंटरसेक्ट करती है वही उसका जीरो होता है मतलब सर ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पर आ रहा है ये जीरो ऑफ पॉलिनोम होगा क्या मैंने बोला हा बोले सर कैसे मानू मैंने बोला ध्यान से देखना जीरो ऑफ पॉलिनोम कितना आ रहा है 1.6 आ रहा है ना कितना आ रहा है वन आ रहा है यहां पर भी मैं लाके देता हूं वन पॉइंट है सर मेरे पास कितना फाइव एक्स माइनस एट अब सर अगर मेरे को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है तो सर मैं यहां पर पोलिनोम की जो वैल्यू लूंगा वो जीरो एज अ होल लूंगा बराबर फाइव एक्स माइनस एट ठीक है सर सर अब यहां पर समझो बात को सर यहां पर मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं फाइव एक्स माइनस एट बराबर जीरो मैंने बोला लिख सकते तो सर ये तो हो जाएगा फाइव एक्स बराबर एट मतलब एक्स बराबर सर एट अपॉन फाइव मैंने बोला हां तो सर देखो फाइव वन जा फाइव फाइव सिक्स जटी एक्स की वैल्यू सर वन पॉइंट सिक्स आई मैंने बोला तो ये क्या हो गया बोले सर ये तो जीरो हो गया पॉलिनोमियल का ये तो जीरो हो गया सर पॉलिनोमियल का अच्छा और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा सर ये भी जीरो कहलाएगा सर ये इसी पॉलिनोमियल का तो हम लोग बना रहे ना इसी पॉलिनोमियल का तो हम लोग बना रहे ना तो सर ये जो लाइन है ये कौन से पॉलिनोमियल के सर ये जो लाइन है सर ये इस पॉलिनोमियल की और सर इस पॉलिनोम की लाइन ये है तो उस हिसाब से सर ये जो पॉइंट है जहां पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ये सर इसका जीरो कहलाएगा ये क्या कहलाएगा इसका जीरो कहलाएगा समझ गए बात को समझ गया सर समझ गया अदरवाइज वहां से नहीं आएगा तो मैं यहां से निकाल लूंगा ठीक है सर समझ गया सर बहुत बढ़िया तरीके से एक बार स्क्रीन ले लू क्या मैंने बोला जल्दी से एक बार स्क्रीन ले लो ले लिया सर स्क्रीन अब सर आगे बढ़ ले क्या मैंने बोला आगे बढ़ लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है बात क्लियर हो गई कि सर अगर लीनियर पोलिनोम होगा तो सर उसकी जो स्ट्रेट लाइन होगी ना स्ट्रेट लाइन जो बनेगी ना वो ग्राफ पर अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वो जो पॉइंट होगा ना उसका जीरो होगा वो उसका क्या होगा जीरो होगा क्लियर हो गई सर बात चलो मतलब सर ये बात तो हमें बहुत अच्छे तरीके से आ गई समझ में ठीक है अब जब ये वाली बातें हो गई क्लियर तो अब आता है हमारे पास मेन चीज और ये जो मेन चीज है ना यही पे ही तो पूरा चैप्टर बना है इसी पर ही तो पूरा चैप्टर बना है क्योंकि क्यूबिक तो अब हट गया क्यूबिक तो अब हट गया अब हमारे पास क्वाड्राटिक पॉलिनोमियल है क्वाड्राटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने होंगे बाय अप्लाइंग फैक्टराइजेशन मेथड तो फैक्टराइजेशन मेथड तो बात की बात है अभी हम इसका समझ रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हम लोग क्या देख रहे हैं कि भैया ये जो ग्राफ है ना ये जो आपके पास पोलिनोमियल है ना इसका ग्राफ कैसे बनता है मतलब अब इसका जैसे लीनियर का देखा तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है हमेशा और वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है एक ही बार कर रही है क्यों कर रही है क्योंकि अपने पास लीनियर पोलिनोमियल में एक ही तो वेरिएबल है और उस वेरिएबल की हाइएस्ट पावर कितनी है सर दो है सर वेरिएबल के हाइएस्ट पावर दो नहीं है सर अरे सर सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं सर सर एक है हाँ सर एक है सर तो वो ग्राफ पे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है सर वो एक्स एक्सिस पे एक बार कर रही है सर तो वही तो उसका जीरो हुआ समझ गए बात को समझ गया सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ध्यान से समझना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ठीक है सर जहां पर आपने हमें यह बताया कि सर ए बराबर क्या नहीं होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए अब ध्यान से पहले हम लोग इसको समझते हैं कि यह कहना क्या चाह रहा है द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज अ पैराबोला अब सर यह पैराबोला क्या होता है इस पर तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सर ये पैराबोला क्या होता है सर सर मैंने बोला वो होता है आपने बोला वो होता है लेकिन ये पैरा बोला मतलब ये क्या हो रहा है सर ठीक है ये पैरा बोला मेरे को भी नहीं आता इसलिए क्वेश्चन मार्क लेकिन मैं आपको समझाऊंगा ग्राफ के थ्रू हाँ सर क्लियरिटी तो आप दोगे सर मालूम है हमें भरोसा है ठीक है बस ध्यान से समझना द रूट्स रूट्स का क्या मतलब होता है सर एक्स की वैल्यूज रूट्स का क्या मतलब होता है सर एक्स की वैल्यूज ऑफ अड्राटिक इक्वेजन आर द्वारी पैराबोला कट्स जो रूट होते हैं ना क्वराटिक इक्वेजन के रूट्राटिक इक्वेजन अब क्वारिक पोलिनोम थोड़ी देर के लिए छोड़ दो या क्वॉड्राटिक पोलिनोम भी देख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है वहां पर जो आप लोग अब एक्स की वैल्यूज फाइन करोगे ना बाई यूजिंग मैथड ऑफ फैक्टराइजेशन तो वहां पर आपको एक्स की दो वैल्यूज मिलेंगी अब वो दो वैल्यूज का करना क्या होगा वो जो दो वैल्यूज आपको मिलेगी ना तो वो वही पॉइंट होंगे जहां पर वो पैराबोला कट करेगा उस एक्स एक्सिस को पैराबोला कट करेगा उस एक्स एक्सिस को दैट इज द पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज जीरो पॉलिनोमियल के केस में जीरो हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के केस में अपन लोग रूट्स यूज करते हैं यहां पर इक्वेजन की बात चल रही है इसलिए रूट यूज किया पर quadratic polynomial के केस में हम लोग क्या यूज करेंगे zeros की ही बातें करेंगे। किसकी की। तो जीरो क्वाड्रेटिक के केस में कितने होते हैं आपके पास दो होते हैं अब ये सर दो जो होते हैं ये सर पैराबोला कैसे हो बनता है कब कट होता है ये थोड़ा सा बताओ सर तो मैंने बोला ये बता देता हूं पहले आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बोले सर इसका स्क्रीन तो हम लोगों ने ले लिया सर सर आगे बढ़े मैंने बोला अब आगे बढ़ते हैं समझना ध्यान से अब एक एक, एक समझो हाँ सर बढ़िया तरीके से वो आप समझाओ सर बढ़िया आता है सर समझ में लेकिन भयंकर तरीके का मैंने बोला ठीक है हम लोग एक क्वाड्रेटिक पोलिनोम लेट कर रहे हैं y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट ठीक है अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर हम लोग वैल्यूज डालेंगे क्या डालेंगे वैल्यूज डालेंगे हमें यह बॉक्स पसंद नहीं आया हम लेंगे व्हाइट कलर का ठीक है अब जो हम दोनों वैल्यूज डालेंगे मतलब सर बहुत ज़्यादा वैल्यूज डालने वाले के अपन लोग मैंने बोला देखो एक्स और वाई की हम लोग डालते हैं इधर माइनस फोर से डालना शुरू करते हैं माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स तक में डाल देते हैं ठीक है और वैल्यूज़ देखते हैं इसकी कि क्या क्या आती हैं चलो एक एक वैल्यू को थोड़ा जल्दी जल्दी से अपन लोग कैलकुलेट कर माइनस फोर का स्क्वायर जब हम लोगों ने इसमें डाला है ना मैं आपको एक वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूं बाकी हम लोग डायरेक्टली करेंगे फोर माइनस एट हम लोगों को एक्स की जगह पे कितना डालना है माइनस फोर डालना है फोर फोर जो सिक्सटीन प्लस एट माइनस एट प्लस एट से माइनस एट गया सिक्सटीन आ गया ऐसे निकालना है वैल्यूज इसकी फिर क्या डालना है फिर डालना है माइनस थ्री एक्स की जगह पे माइनस थ्री तो ये हो गया अपने पास कितना नाइन प्लस थ्री टू जा सिक्स माइनस एट नाइन और सिक्स फिफ्टीन, फिफ्टीन माइनस एट सेवन आ गया क्लियर हो गई बात है पक्का बढ़िया तरीके से माइनस टू डाल के देखते हैं ये हो गया हमारे पास फोर और ये हो गया हमारे पास फोर ये हो गया हमारे पास एट तो इस पर हमको मिल गई जीरो अब हमें डालना है माइनस का वन तो माइनस का वन बोले तो वन और ये बोले तो टू है ना और ये हो गया हमारे पास एट थ्री माइनस एट माइनस का फाइव सर एक बार और देखें देखो सर जीरो डालना है तो जीरो जीरो माइनस एट ही बचेगा सर हो गया सर आगे बढ़े सर वन डालते हैं वन 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 माइनस टू माइनस एट माइनस टेन नाइन कितना आ जाएगा माइनस का नाइन आ जाएगा सर माइनस का नाइन भी आ गया ठीक है आगे बढ़े क्या जब टू डालेंगे तो क्या होगा टू का स्क्वायर फोर माइनस फोर माइनस एट सर माइनस एट आएगा क्लियर हो रहा है क्लियर हो रहा है सर अब आगे समझो सर जब थ्री डाला तो थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस सिक्स माइनस एट सर यहां से बचेगा थ्री सर माइनस फाइव बचेगा क्योंकि सर यहां से नाइन माइनस सिक्स थ्री और थ्री माइनस एट माइनस फाइव सर ठीक है बढ़िया चल रहा है सर सर अब हम लोग डाल के देख रहे हैं फोर 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 जा सिक्सटीन माइनस फोर टू जो एट माइनस एट माइनस एट माइनस सिक्सटीन प्लस माइनस सिक्सटीन जीरो सर अब हम लोग डाल के देख रहे हैं फाइव फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव माइनस टेन माइनस एट तो यहां से बचेगा आपके पास फिफ्टीन फिफ्टीन माइनस एट आपके पास बचेगा सेवन ठीक है सर अब सर हम लोग डाल के देख रहे हैं सिक्स सर सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स माइनस ट्वेल्व माइनस एट सर ये हो गया हमारे पास माइनस का ट्वेंटी माइनस का ट्वेंटी और सर ये हो गया हमारे पास फिर बचेगा सिक्सटीन फिर बचेगा हमारे पास सिक्सटीन तो ये चीज क्लियर हो गई क्या एक बार जल्दी से चेक कर लो एक बार जल्दी से चेक कर लो अरे भाई सिंपल तो है क्या ही चेक करना जब माइनस फोर डाली तो फोर फोर जो सिक्सटीन है ना माइनस प्लस एट और माइनस एट प्लस एट माइनस एट कैंसिल आउट हो गया हमारे पास 69 ऐसे करके सारी वैल्यूज आई हैं अब एक बार जल्दी से आप लोग इसको क्रॉस चेक कर लो जब तक मैं क्या कर रहा हूं जब तक मैं इसको कॉपी कर रहा हूं अब ध्यान से समझना क्योंकि अब हम बनाएंगे ग्राफ तो इसको हम लोग साइड में ही रखेंगे अब हम लोग बनाएंगे ग्राफ ग्राफ में जो आप सबसे ज्यादा गई है वो कौन सी गई है सर? सर 16 गई है। तो हम लोग एक काम कर सकते कि हम लोग टू टू के डिफरेंस पे बात कर सकते हैं तो चलो टू टू के डिफरेंस पे हम लोग बात करके एक बड़ा सा क्या बनाते हैं हमारा खुद का कार्टिजन सिस्टम बनाते हैं ठीक है ठीके? इस साइड भी हमारा क्या हो रहा है एक्सटेंड हो रहा है थोड़ा जल्दी जल्दी से करते हैं काम बहुत है ये रहा एक्स ये रहा वाई ये रहा एक्स माइनस का और ये रहा वाई डैश ठीक है ठीक है सर सर दो दो का ही ले, ले क्या ठीक है दो दो का ले लेते ले टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी सर टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन चलेगा इतना कोई दिक्कत नहीं minus -2, माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस एट माइनस टेन माइनस ट्वेल्व माइनस फोर्टीन माइनस सिक्सटीन माइनस एटीन टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू जा रही है वही जा रही है हमारे पास सिक्सटीन तो सिक्सटीन तक में सफिशेंट है ये हो गया सर माइनस का टू माइनस का फोर माइनस का सिक्स माइनस का एट माइनस का टेन माइनस का ट्वेल्व माइनस का फोर्टीन माइनस का सिक्सटीन माइनस का एटीन ठीक है सर अब बात को समझते सर एक्स की वैल्यू माइनस फोर पे वाई की वैल्यू सिक्सटीन आई एक्स की वैल्यू माइनस फोर पे वाई की वैल्यू सर सिक्सटीन आई कहीं यहां पर आएगी सर कहीं यहां पर आएगी है ना माइनस फोर और ये हो गया सिक्सटीन ठीक है एक्स की वैल्यू माइनस थ्री पे वाई की वैल्यू सेवन एक्स की वैल्यू माइनस थ्री पे वाई की वैल्यू कितनी आई सेवन आई यहां पर कहीं आएगा ठीक है सर सर पे वाई की की पे वाई की की वैल्यू वैल्यू क्या आई जीरो आई क्लियर हो रही है बातें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है सर। सर, X की वैल्यू कितनी आई माइनस फाइव आई है ना एक्स की वैल्यू माइनस वन पे वाई की वैल्यू कितनी आई माइनस फाइव आई मतलब वो कहां जाएगा वो जाएगा हमारा यहां पर तो ओ ठीक है माइनस वन पे क्या आया हमारा माइनस फाइव आया ये रहा माइनस वन ये रहा माइनस फाइव कहीं यहां पर x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 8 आई x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू -8 आई कहीं यहां पर ठीक है x की वैल्यू 1 पे x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू कितनी आई हमारी -9 आई x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास -9 आई कहीं यहां पर आएगी ठीक है अब अगर हम लोग बात करें x की वैल्यू 2 पर एक्स की वैल्यू टू पर वाई की वैल्यू कितनी आई हमारे पास माइनस एट आई कहीं यहां पर आई ठीक है ठीक है सर अब एक्स की वैल्यू थ्री पे वाई की, की वैल्यू माइनस फाइव आई एक्स की वैल्यू थ्री पे वाई की वैल्यू माइनस की फाइव आई कहीं यहां पर एक्स की वैल्यू फोर पे वाई की वैल्यू जीरो आई एक्स की वैल्यू फोर पे वाई की वैल्यू ज़ीरो आई चलेगा है ना एक्स की वैल्यू माइनस वन पे हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आई थी ठीक है माइनस फाइव आई थी नहीं एक बार माइनस टू पे भी तो हमारी जीरो आई थी ना ठीक है हमने ये कहां तक बना लिया ये बना लिया हम लोगों ने एक्स की वैल्यू फोर तक एक्स की वैल्यू फोर पे वाई की वैल्यू हमारी जीरो आई चलेगा अब हमारे पास अगर बात करें एक्स की वैल्यू फाइव पे वाई की वैल्यू सेवन आई एक्स की वैल्यू फाइव पे वाई की वैल्यू कितनी आई सेवन आई सेवन कहां पड़ रहा है सेवन पड़ रहा है हमारे यहां पर है ना ठीक है

देखो, ये ये पॉइंट पॉइंट से को जोड़ा ये पॉइंट से ये पॉइंट को जोड़ा ये पॉइंट को जोड़ा ये पॉइंट को जोड़ा 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 ये बन गया आपका क्या पैराबोला? ये कैसा है भैया ये पैराबोला है ये होगी इसकी वर्टेक्स ठीक है अब अगर मैं बात बताऊं तो ये होता है आप लोगों का पैराबोला जो ऊपर की साइड खुलता है जरूरी नहीं है नीचे की साइड भी खुलता है तो वो हम लोग बाद में इसके। लेकिन ये हो गया हमारे पास पैरा बोला थोड़ा सा टेढ़ा बनाए पर बढ़िया बनाए बढ़िया बनाए बहुत शानदार बनाए ये ऐसा बढ़िया बनाए अब बात को ध्यान से समझना ये एक्स एक्सिस पर कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है सर दो बार कर रहा है एक यहां पर और एक यहां पर तो यहां पर और यहां पर एक्स एक्सिस पे कर रहा है तो ये दोनों कौन हो गए इसके जीरोज हो गए कौन हो गए एक ये वाला पॉइंट इसका जीरो हो गया और एक ये वाला भी पॉइंट इसका क्या हो गया जीरोज हो गया जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ गए ये बना है पैराबोला और यह पैराबोला एक्स एक्सिस पर कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पर दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक बार माइनस टू पर और एक बार आपका फोर पर क्लियर हो गई बात क्लियर हो गई अब बात को ध्यान से समझना जो यहां पर जीरो आए वो कितने आए एक माइनस टू आया और एक कितना आया फोर आया जीरोज का क्या मतलब है कि जब हम लोग इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो एक्स की दो वैल्यूज आएंगी आएंगी अब मैं आपको वेरीफाई पूरी अच्छी तरीके से करके बताता हूं ये जो दो वैल्यूज आई हैं, ये यही आई है माइनस टू और फोर ही आई हैं। क्या आई है एक आई है माइनस टू और एक आई है फोर अब वो कैसे देखो ये माइनस टू जब इधर आएगा और ये फोर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर ये हो जाएगा एक्स प्लस टू और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सर एक्स माइनस फोर अब दोनों को सॉल्व करो सर एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर सर एक्स का माइनस फोर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का फोर एक्स सर टू का एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का टू एक्स सर टू का माइनस फोर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एट सर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस प्लस टू एक्स सर माइनस का टू एक्स माइनस एट अच्छा सर अब आई बात समझ सर इस स्टेप से ये चीजें समझाना चाह रहे थे आप कि एक्स के जो दो जीरोज आए हैं ये दो जीरोज का मतलब है कि जब हम इसमर इसमें एक्स की वैल्यूज को डालेंगे तो वो हमें क्या देंगे जीरोस देंगे अच्छा आपने तो सर ये पोलिनोम ही बना के दिखा दिया ठीक है ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया सर सर क्लियरिटी थोड़ी बहुत मिली बाकी सर अब एक बात बताओ हम इसमें डाल के देखें क्या सर एक्स की वैल्यू माइनस टू तो मैंने बोला डालो सर वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट सर देखो y बराबर एक्स की जगह पे सर माइनस टू डाल रहे हैं मैंने बोला हां ठीक है माइनस टू डालो सर फोर प्लस फोर माइनस एट सर एट माइनस एट जीरो सर एक तो जीरो दे रहा है दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। डालो एक्स की जगह पे फोर डालो सर डाल रहे हैं तो वाई बराबर फोर का स्क्वायर सर माइनस टू मल्टीप्लाई बाय फोर माइनस एट सर वाई का सिक्सटीन माइनस एट माइनस एट सर वाई बराबर हमारे पास जीरो अच्छा सर सर जिन दो वैल्यू पर अगर ये पॉलिनोमियल हमें जीरो दे रहा है सर जिन दो वैल्यू पर अगर ये पॉलिनोमियल हमें जीरो दे रहा है मतलब सर ये दो वैल्यूज ही तो हमारी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हो गई ये दो वैल्यूज ही हमारी क्या हो गई जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हो गई अब सर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ ग्राफ कैसे बताएंगे सर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ ग्राफ कैसे बताएंगे ये ग्राफ है यहां पर आपका जो पैराबोला बना है ये कौन सी इक्वेशन का बना है सर ये बना है हमारी कौन सी इक्वेशन x2 2x minus 8 से सर यहां पर x एक्सिस पर सर ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट खाइए लेकिन सर लीनियर तो एक पॉइंट पर खाता था सर लीनियर एक पॉइंट पर क्यों खाता था क्योंकि वहां पर वेरिएबल एक था उसकी हाईएस्ट पावर वन थी यहां पर सर वेरिएबल तो एक है लेकिन उसकी हाईएस्ट पावर टू है और अगर मैं बात करूं तो यहां से आप एक्स की दो वैल्यूज निकालोगे वहां पर आप एक्स की एक वैल्यू निकालते थे लीनियर की यहां पर दो वैल्यूज पॉसिबल है तो ये दो जगह पे क्या खाएगा टक्कर खाएगा किससे एक्स एक्सिस से X अगर ये एक्सिस से दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा और वो जो दो पॉइंट होंगे वही उनके क्या होंगे जीरोस होंगे पॉलिनोमियल के बहुत बढ़िया सर क्लियरिटी एकदम एक तरफा मिली है सर हम लोग स्क्रीन शॉट ले लें मैंने बोला स्क्रीनशॉट ले लो ले लिया सर स्क्रीनशॉट ले लिया पक्का आप सर एक आध और एग्जाम्पल बता दो मतलब सर इसमें हम लोगों ने देखा कि सर जो हमारा पोलिनोम जा रहा था वो कैसा जा रहा था सर वो जा रहा था ऊपर से नीचे सर ऐसा भी कुछ केस होता होगा जिसमें पोलिनोम हमारा कैसा जाता हो नीचे से ऊपर या आगे से पीछे या हो सकता है टच ही नहीं करता हो? होता है बिल्कुल होता है वो वाला केस भी देख लेते चल ठीक है एक ये वाला केस है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन अब चलो हम लोग इसकी बात कर लेते हैं सर इसकी वैल्यूज हमने कहां से शुरू करी थी माइनस फोर से इसकी वैल्यूज हम लोग कहाँ से शुरू करें माइनस टू से कर लो माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव सिक्स सेवन एट एक दो तीन चार पाँच छः, सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह वैल्यू काफ़ी है क्या हाँ सर ग्यारह वैल्यू काफ़ी हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक नौ भी ले लो अगर है तो नहीं तो फिर ठीक है और अगर मैं बात करूँ तो उत्ते में हमारा पैराबोला बहुत आराम से बन जाता है क्योंकि इसमें देख लो वन टू तो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन एलेवन ली थी यहाँ पर कितनी हो गई हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन काफ़ी है हो जाएगा इतने में बन जाएगा आप लोग बना के दिखाओ जब तक ठीक है डब्बा काफी ज्यादा बड़ा बना दिया कोई दिक्कत नहीं है अब बात को ध्यान से समझना यहां पर जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है हमारे पास है सर y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन ठीक है अब हम x की जगह पे माइनस टू डाल के देखते हैं है ना? ठीक है तो y की वैल्यू हम लोग देखेंगे कि क्या आ रही है सर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस सिक्स माइनस टू प्लस नाइन अब यही के यही हम लोग चेंज भी करते जाएंगे माइनस टू अभी तो क्या हो जाएगा देखो माइनस टू का स्क्वायर फोर सिक्स टू से ट्वेल्व प्लस का ट्वेल्व प्लस नाइन ये हो गया ट्वेंटी वन और ट्वेंटी फाइव क्लियर हो गया ना माइनस टू का स्क्वायर फोर सिक्स टू जैड ट्वेल्व और नाइन ट्वेल्व और एट हो गया हमारा ट्वेंटी ट्वेंटी वन और ट्वेंटी फाइव ठीक है अब माइनस वन डाल के देखते हैं सर वन प्लस सिक्स प्लस नाइन सिक्सटीन हो गया सर अब आगे डाल के देखते हैं सर जीरो डाल के देखो तो मैंने बोला जीरो जीरो नाइन बढ़िया सर अब क्या डालना है सर अब डाल के देखो वन तो वन माइनस सिक्स प्लस नाइन टेन माइनस सिक्स फोर क्लियर हो देखो गया ना नाइन और वन टेन टेन माइनस सिक्स फोर ठीक है अब क्या डाल के देखो टू डाल के देखो टू का स्क्वायर फोर माइनस ट्वेल्व प्लस नाइन क्लियर हो रहा है क्लियर हो रहा है माइनस एट और यह हो गया हमारे पास वन क्योंकि माइनस एट प्लस नाइन वन फिर हम लोग क्या डाल के देख रहे हैं फिर हम लोग डाल के देख रहे हैं हमारे पास थ्री अब थ्री का स्क्वायर कितना हो गया नाइन माइनस सिक्स ट्वेल्व थ्री जटीन प्लस नाइन नाइन और नाइन एटीन एटीन माइनस एटीन जीरो कितना आसान है बहुत आसान है सर फोर डाल के देखो फोर फोर जो सिक्सटीन माइनस फोर सिक्स ज्वेंटी फोर प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फोर आ गया अपने पास वन देखो ना फोर फोर जर सिक्सटीन सिक्स फोर जर ट्वेंटी फोर प्लस नाइन सिक्सटीन और नाइन कितना हो गया ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फोर अपने पास आ गया वन ठीक है अब सर डाल के देखो फाइव ट्वेंटी फाइव माइनस थर्टी प्लस नाइन सर यहाँ से बचेगा हमारे पास कितना माइनस में ट्वेंटी वन सर माइनस में ट्वेंटी वन तो अपने पास बचेगा सर फोर क्लियर हो रही है चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है सर एक बार सिक्स डाल के देखें क्या सर थर्टी सिक्स माइनस थर्टी सिक्स प्लस नाइन मतलब सर ये तो कट जाएगा हमारे पास बचेगा 9 सर सेवन डाल के देखते हैं फोर्टी नाइन माइनस सेवन सिक्स फोर्टी टू प्लस नाइन कितना हो जाएगा हमारे पास यहां से बचेगा आपके पास सेवन सेवन और आपके पास हो जाएगा सिक्सटीन सिक्सटीन ठीक है चेक करते रहे ना फोर्टी नाइन सेवन सिक्स फोर्टी टू और ये हो गया नाइन फोर्टी नाइन और फोर्टी टू जब माइनस होगा तो आपके पास आ जाएगा सेवन सेवन और नाइन हमारे पास हो जाता है सिक्सटीन एट डाल के देखते हैं सर एट एट जा सिक्सटी फोर एट फाइव जाए फोर्टी एट सिक्स फोर्टी एट प्लस नाइन सर यहाँ से अपने को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा तो सर माइनस का थर्टी नाइन आ रहा है मैंने बोला एक काम करो ना सिक्सटी फोर और फोर्टी एट को देखो कितना आ जाएगा बोले सर सोलह आ जाएगा सोलह फोर्टी एट और सिक्सटीन सर आठ और से चौदह अच्छे सही तो बोल रहे हो सर आप सोलह सिक्सटीन और नाइन कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव ठीक है क्लियर हो गई चीज़ें अब अगर ये चीजें क्लियर हो गई हैं तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे हम लोग इसको लेके चलेंगे एकदम पीछे इतना ही रखते हैं अपन क्लियर हो रहा है क्लियर दिख रहा है क्लियर दिख रहा है सर अब क्या काम होगा मैंने बोला वही होगा जो हो रहा है ग्राफ बनाओ ठीक है सर कोशिश तो करी ग्राफ बनाने की एक बार आप बता दो ग्राफ अच्छे से मैंने बोला चलो अपन लोग ही बना लेते हैं ग्राफ ठीक है ठीक है सर ये हो गया सर हमारे पास जीरो वन सर कहां तक जाना है अपने को पच्चीस तक जाना है सर एक काम करते हैं अपन थ्री थ्री का ले लेते कितने कितने का ले रहे हैं अपन लोग थ्री थ्री का ले रहे हैं ठीक है थ्री सिक्स नाइन हो गई हमारी एक्सिस की बात अब हम लोग कर रहे हैं भाई एक्सिस की बात यह हो गया हमारे पास कितना 24। थोड़ा और ऊपर तक जाएगा यह ट्वेंटी सेवन तक ही पहुंचा दिया हम लोगों ने उसको ठीक है अब यहां से देखो सर एक्स ये हो गया सर वाई ये हो गया सर माइनस का एक्स जिसको हमने हमनेक्स्ट डैश बोला और ये हो गया सर वाई डैश अब सर हम लोग प्लॉटिंग करते हैं सर एक्स की वैल्यू माइनस टू पे वाई की वैल्यू ट्वेंटी फाइव एक्स की वैल्यू माइनस टू पे वाई की वैल्यू सर ट्वेंटी फाइव समथिंग सर यहाँ पर आ रही है ना हाँ सर यहीं पर आ रही है सर माइनस वन पे कितना दे रहा है सिक्सटीन दे रहा है सर माइनस वन पे कितना दे रहा है वो सिक्सटीन दे रहा है सर कहीं यहाँ पर आ रही है सर सर जीरो पर कितना दे रहा है वो नाइन दे रहा है एक्स की वैल्यू जीरो पर वाई की वैल्यू नाइन एक्स की वैल्यू जीरो पर वाई की वैल्यू नाइन ठीक है सर वन पे कितना दे रहा है फोर दे रहा है वन पर कितना दे रहा है फोर दे रहा है सर एक्स की वैल्यू वन पर एक्स की वैल्यू वन पर वाई की वैल्यू सर कितना फोर एक सेकेंड ये हमारे पास कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सिक्स है ना जीरो का नाइन हो गया जीरो का नाइन होने के बाद एक्स वैल्यू वन पर वाई की वैल्यू फोर है वाई की वैल्यू फोर मतलब समथिंग आपकी यहां पर आ जाएगी क्लियर हो रहा है क्लियर हो रहा है एक्स वैल्यू वन पे वाई की वैल्यू फोर एक्स के वैल्यू टू पर वाई की वैल्यू वन एक्स वैल्यू टू पर वाई की वैल्यू वन कहीं यहां पर ठीक है अब एक्स के वैल्यू टू पर वाई की वैल्यू वन हो गई थोड़ा और नीचे ही आ जाएगा वो यहां पर एक्स के वैल्यू थ्री पे वाई की वैल्यू जीरो एक्स के वैल्यू थ्री पे वाई की वैल्यू जीरो मतलब वहां पर सिर्फ एक्स ही रहेगा आपके पास एक्स के वैल्यू फोर पे वाई की वैल्यू वन एक्स के वैल्यू फोर पे वाई की वैल्यू वन मतलब फिर से कहीं यहां पर एक्स की वैल्यू फाइव पर वाई की वैल्यू फोर एक्स की वैल्यू फाइव पर वाई की वैल्यू फोर कहीं यहां पर एक्स की वैल्यू सिक्स पर वाई की वैल्यू नाइन कहीं यहां पर एक्स की वैल्यू सेवन पर वाई की वैल्यू सिक्सटीन कहीं यहां पर थोड़ा अपने को नंबर्स को रब करना पड़ेगा तो हम लोग लगे हाथ कर ही देते हैं है ना कहा पर थे हम लोग वैसे एक्स वैल्यू सिक्स पर वाई की वैल्यू हमारी कितनी हो गई नाइन हो गई एक्स वैल्यू सेवन पर वाई की वैल्यू हमको कितना बोल रहा है सिक्सटीन बोल रहा है की वैल्यू कहीं रहेगीवन पर आएगी है एक्सल्यू एट पर वाई की वैल्यू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव कहीं यहां पर आएगी ठीक है लगभग लगभग हमारी ये सारी जो वैल्यूज थी ये सारी जो वैल्यूज थी ये हम लोगों ने यहां पर प्लॉटिंग कर लिए अब प्लॉटिंग करने के बाद प्लॉटिंग करने के बाद अब हमें क्या करना है इसको जोड़ना है लो जोड़ रहे हैं ये पॉइंट से ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और देखो हमारे पास ये जो गया है ये कैसा गया है सर ये ज्यादा ही वो हो गया थोड़ा हैवी अभी सा लग रहा है, है ना तो लो इसको हैवी से अपन लोग थोड़ा हटा के और बढ़िया सा अपन लोग कलर लेते हैं एक अब जोड़ो सर ये पॉइंट से ये पॉइंट ये पॉइंट से ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और सर ये थ्री से देखो ऊपर चला गया एकदम है ना थोड़ा मेरा उल्टा सीधा जा रहा होगा मैं मानता हूं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अब आप लोग जब बनाओगे ना इसको तो आप लोगों का देख लेना सही बनेगा एकदम परफेक्ट बनेगा सर यहां पर जो इसकी वर्टेक्स आई वो तो यहां पर आई सर कहां पर आई सर थ्री पर आई इसकी वर्टेक्स इसका क्या मतलब हुआ सर सर अगर ये पैरा बोला है तो सर ऐसे तो ये दो पॉइंट पर क्या खाना चाहिए इंटरसेक्ट खाना चाहिए एक्स एक्सिस के दो पॉइंट पर पर ये तो सर एक ही पॉइंट पर खा रहा है मतलब यहां पर समझना एक्स की वैल्यूज आपकी दो ही है एक्स की वैल्यूज तो आपकी दो ही है ये थ्री है ना ये भी थ्री है और ये भी कितनी है थ्री है एक्स की दो ही वैल्यूज है क्योंकि इसके दो ही जीरोस पॉसिबल हैं किसके एक्स स्क्वायर एक्स स्क् माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन के दो ही जीरोस पॉसिबल है और वो दो जीरोस आपकी यही है, X के लिए थ्री। अच्छा सर मैं नहीं मानता मैं आपको इन्हीं दोनों की मदद से ही ला के दिखा दूं बोले हां सर लाके दिखाओ देखो यहां पर लाके दिखाता हूं एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री ठीक है सर सर इसको हम लोग एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं लिख सकते हैं सर यह हो गया ए का स्क्वायर प्लस सर बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स सर थोड़ा अरेंज कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन वाह सर वाह बहुत बढ़िया मतलब सर यहां पर एक ही पॉइंट पर ये क्या खा रहा है सर इंटरसेक्ट खा रहा है लेकिन इसके जीरोस कितने हैं सर दो जीरोस हैं और वो दो जीरोस कौन है सर थ्री थ्री हैं और ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या बोल देते हैं इसको इक्वल रूट्स या इक्वल जीरोस अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलता होता ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग इसको इक्वल रूट्स के नाम से नाम देते दे। हैं लेकिन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चल रहा है इसलिए इक्वल जीरोस पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या अंतर है सर यहां पर बराबर में अगर जीरो होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा अदरवाइज ये क्या है आपके कॉड्राटिक पॉलिनोमियल और हमारे पास इक्वल रूट है अब तो पता चल गया ना कि हम लोगों ने इसी की मदद से क्या लेके आ गए ये लेके आ गए अब बात को और क्लियरिटी से समझो देखो रटोगे ना तो काम नहीं होगा वहां पर सीधा सीधा आपको टीचर सिखा देगा कि भैया यहां पर एक बार टच है ना तो ये आपका क्या हो गया पॉलिनामियल हो गया लीनियर दो बार टच हो रहा है ना क्वाड्राटिक हो गया अब देखो एक ही बार हुआ है। क्या बोलोगे इसको लीनियर बोल क्या जबकि क्वाड्राटिक ना तो। समझ रहे हो ना बात को पक्का ना ठीक है तो यहां पर एक्स वैल्यूज कितनी पॉसिबल है दो कौन कौन एक्स क्यूल्यू थ्री और एक्स क्यूल्यू थ्री क्लियर हो गया क्लियर हो गया सर अभी तो एक चीज की क्लियरिटी और देनी वो है डिस्क्रिमिनेंट वो मैं अभी आपको बता दूंगा एक बार जल्दी से अच्छी तरीके से इसको नोट डाउन कर लो एक बार जल्दी अच्छी तरीके से इसको क्या कर लो नोट डाउन कर लो कर लिया पक्का ठीक है हो गया चलो एक बार देख लो जल्दी से कुछ छूटा तो नहीं है सब क्लियर हो गया वर्टेक्स वगैरह ठीक है आगे बढ़ लें चलो अब मैं आप लोगों को एक पॉलिनोमियल दिया अब इस पॉलिनोमियल का क्या करना है सर इस पॉलिनोमियल की वैल्यूज बताओ इस पॉलिनोमियल का आप लोग ग्राफ बनाओ इस पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा जा रहा है क्या एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है जैसे अभी कर रहा था या फिर दो बार कर रहा है जैसे पहले कर रहा था क्या करना पड़ेगा सर वही चीज बनाना पड़ेगा डब्बा ही बनाना पड़ेगा और क्या ही है सर तो चलो डब्बा बनाते इस बार हम लोग वैल्यू ले, ले लेते हैं माइनस थ्री से माइनस थ्री ले लो माइनस टू ले लो माइनस वन ले लो जीरो ले लो वन ले लो टू ले लो थ्री ले लो फोर ले लो फाइव ले लो ठीक है इतनी काफी है काफी है सर सर फिर से वही काम शुरू हो रहा है क्या अपना मैंने बोला फिर से वही काम शुरू हो रहा है अब सर वैल्यू डालना है क्या फिर से मैंने बोला बिल्कुल डालना है समझ रहे हो ना वही अपना शॉर्ट तरीका हाँ वही अपना शॉर्ट तरीका माइनस थ्री डालना सर तो यहां पर भी माइनस थ्री आएगा ठीक है सर माइनस थ्री का स्क्वायर सर नाइन नाइन टू जीन प्लस फोर थ्री ट्वेल्व प्लस फाइव सर ये कितना हो गया थर्टी फाइव क्लियर हो गया ना माइनस थ्री डाला है अपन ने थ्री का स्क्वायर नाइन नाइन टू एटीन फोर थ्री ट्वेल्व माइनस माइनस प्लस फिर प्लस यहां पर हो गया ट्वेंटी थर्टी थर्टी फाइव ठीक है सर सही चल रहा है अब सर माइनस टू डाल के देखते हैं माइनस टू का स्क्वायर फोर फोर टू झा एट यहां पर हो गया हमारे पास एट प्लस फाइव एट और एट सिक्सटीन सिक्सटीन और फाइव सर ट्वेंटी वन चेक कर लेना एक बार है ना फोर टू जट एट और फाइव एट और एट सिक्सटीन और फाइव ट्वेंटी वन ठीक है अब अब डालना है माइनस वन माइनस वन का स्क्वायर वन और योग टू गया प्लस का फोर गया फाइव यहां पर हमारे पास कितना हो गया इलेवन हो गया अब जीरो डाल के देखते हैं जीरो 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 बचा हमारे पास फाइव ठीक है अब वन डाल के देखते हैं वन टू माइनस फोर प्लस फाइव यहां से बचेगा हमारे पास वन और ये हो जाएगा हमारे पास थ्री क्लियर हो रहा है क्लियर हो रहा है सर अब सर हम लोग डाल के देख रहे हैं टू तो टू का स्क्वायर फोर फोर टू जो एट माइनस एट प्लस फाइव एट से एट कट गया हमारे पास आंसर आया फाइव सर थ्री डाल के देखते, तो थ्री का स्क्वायर हो गया नाइन नाइन हो गया हमारे पास एटीन माइनस ट्वेल्व प्लस फाइव क्लियर हो गया थ्री डाल के देख रहे हैं थ्री का स्क्वायर नाइन नाइन टू सान फोर थ्री ट्वेल्व प्लस फाइव यहां पर हमारे पास बचेगा सिक्स और सिक्स और फाइव हो जाएगा हमारे पास इलेवन देखो ना एटीन और माइनस ट्वेल्व सिक्स सिक्स और फाइव हमारे पास इलेवन अब सर फोर 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 जो सिक्सटीन टू जो थर्टी टू माइनस सिक्सटीन प्लस फाइव मतलब ये भी हमें कितना देगा ट्वेंटी वन क्योंकि देखो सिक्सटीन प्लस फाइव ट्वेंटी वन ही बचेगा हमारे पास क्लियर हो गई बात क्लियर हो गई सर सर फाइव का देख लेते हैं एक बार फाइव फाइव जै ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव टू हमारे पास फिफ्टी फाइव फोर जै ट्वेंटी प्लस फाइव कितना हो गया हमारे पास थर्टी फाइव ठीक है ना फाइव जब डाला फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव टू झा फिफ्टी फाइव फोर जै ट्वेंटी और फाइव यहां पे हमारे पास हो गया थर्टी फाइव चलो अब आगे बनाते हैं तो जब मैं आगे बनाने इसको गया तो मैंने यह देखा कि जब मैं आगे इसको बनाया तो मुझे सबसे पहले तो क्या बनाना था ठीक है अब ध्यान से देखना और छोटा करना पड़ेगा इसको कोई दिक्कत नहीं है इतने में ही हम लोग समझ लेंगे चलो ये हो गया हमारे पास कितना जीरो अब हमको कहां तक लेके जाना है इसको हमको लेके जाना है सर ट्वेंटी फाइव तक तो फिर से वही कर ले क्या, हाँ सर वही कर लेते हैं सर करना क्या है लेकिन अरे वही हमारा वही मुझे लगा कि हमने इसको गलत कॉपी कर लिया है कॉपी तो हमें ये करना है ठीक है अब 25 तक नहीं जाके ये तो जा रहा है 35 तक तो क्या करें सर ऐसे तो अपने को 5 तक का लेना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है मैंने बोला 5 तक का ही ले पक्का बोले हाँ सर 5 तक का ही लो इस बार तो चलो 5 तक का ले लेते हैं ये 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 हो 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 गया 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 5 10 15 ये हो गया 20 ये हो गया 25 ये हो गया थर्टी और ये हो गया हमारे पास थर्टी और एक और बढ़ा दो फोर्टी गई हमारी एक्स एक्सेस ठीक है सर सर ये ऐसे ये हो गया फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी और सर ये हो गया हमारे पास थर्टी फाइव ठीक है और सर एक और ले लो ना क्यों बुरा मानना सर फोर्टी माइनस फाइव माइनस टेन माइनस फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस थर्टी माइनस थर्टी फाइव माइनस फोर्टी ठीक है सर अब इस पे आप बात कर लेते हैं माइनस फाइव माइनस टेन माइनस फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस थर्टी माइनस थर्टी फाइव माइनस फोर्टी अब सर हम लोग इनके डॉट्स को एक बार देख लेते हैं बढ़िया है तरीके से माइनस थ्री पर सर हमें वाई की वैल्यू थर्टी फाइव मिल रही है सर एक्स केल्यू माइनस थ्री कहीं यहां पर आएगी और सर वाई की वैल्यू हमें दे रहा है थर्टी फाइव मतलब सर कहीं यहां पर ठीक है सर एक्स की वैल्यू हमारे को टू पर क्या दे रहा है सर माइन ट्वेंटी वन दे रहा है तो ये लो भैया यहां कहीं पर आएगा आपका ट्वेंटी वन सर एक्स वैल्यू माइनस वन पर हमें वाई की वैल्यू कितनी दे रहा है इलेवन दे रहा है तो ये लो भैया यहाँ कहीं पे आएगा आप लोगों का 11 ठीक है सर थोड़ा इधर मान लेते हैं हम लोग माइनस टू का आपका ट्वेंटी वन थोड़ा इधर और y का जो माइनस वन है जो x का माइनस वन है माइनस वन का ही यहाँ तो y यहाँ पर इलेवन एक्स वैल्यू जीरो पर y आ रहा है फाइव एक्स वैल्यू जीरो पर y आ रहा है फाइव ठीक है सर सर एक्स की वैल्यू अब हमें कितनी लेनी है सर वन लेनी है और वाई हमें कितना मिलेगा थ्री मिलेगा तो एक्स के वैल्यू वन पे ये रहा वन देखना ध्यान से ये रहा वन और वाई आ रहा है आपके पास थ्री सर एक्स वैल्यू टू पे वाई आ रहा है फाइव एक्स की वैल्यू टू पर वाई आ रहा है कितना फाइव एक्स वैल्यू थ्री पर वाई आ रहा है हमारे पास कितना इलेवन एक्स के वैल्यू थ्री पर वाई आ रहा है हमारे पास कितना इलेवन एक्स वैल्यू फोर पे वाई है हमारे पास कितना ट्वेंटी वन एक्स वेल्यू फोर पे वाई है कितना हमारे पास ट्वेंटी वन ठीक है फोर तक नहीं पहुंची फाइव तक में थर्टी फाइव फाइव तक में कहीं यहां पर आएगा आपके पास थर्टी फाइव ठीक है अब जब हम लोगों ने इसको कंबाइन करना चाह तो कंबाइन करने पर इसको ऐसा पता चला कि ये लो हम लोगों ने अगर इसको कंबाइन किया तो ये एक्स एक्सिस को छू ही नहीं रहा ये एक्स एक्सिस को छू ही नहीं रहा अगर ये एक्स एक्सिस को छू ही नहीं रहा मतलब यहां पर जीरोस पॉसिबल ही नहीं है क्या हां जी यहां पर कोई भी जीरोस पॉसिबल नहीं है नो रियल जीरोस। या तो फिर रूट्स भी आप लोग बोल सकते हो इन केस ऑफ इक्वेशंस। Equation के केस में आप लोग इसको क्या बोल सकते हो नो रियल जीरो या तो फिर नो रियल रूट अब उसके पीछे का कारण समझो हम लोगों ने तीन के समझे कि जब x को ये नहीं चुरा. है कौडराटिक? है छूराटिकटिक आपको दिख रहा होगा आपको दिख रहा होगा है अभी भी क्वाड्राटिक थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम लोग इसको ध्यान देना क्वाड्रेटिक है है सर यह सर छू ही नहीं रहा है, लेकिन इसको ठीक है एक केस हमने देखा दूसरा हम लोगों ने क्या देखा दूसरा देखा कि सर यह भी क्वाड्रेटिक था क्वराटिक्लस नाइन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन सर इस क्वाड्रेटिक में यह सर एक पॉइंट पे छू रहा है ठीक है एक केस और कौन सा देखा था सर एक केस और देखा था जहां पर सर ये दो पॉइंट पर छू रहा है सर ये हो क्या रहा है? कभी सर दो पॉइंट पे छू रहा है कभी सर एक बार छू रहा है कभी सर एक्सेस को छू ही नहीं रहा क्या बोलूं सर मैं इससे तो मैंने बोला ज्यादा डरो मत ज्यादा घबराओ मत और बात को ध्यान से समझो अगर मैं बात करूं मेरे पास तीन इक्वेशन थी कौन कौन सी थी हाँ सर अब आप थोड़ा सा अपना कंसेप्ट समझाओ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट एक थी एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन और एक था हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या था टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव ये तीनों कैसे पॉलिनोमियल थे बोले सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे लेकिन इस केस में हमने क्या देखा कि एक्स एक्सिस पर दो बार इंटरसेक्ट कर रही है ठीक है ये एक्स एक्सिस पर दो बार इंटरसेक्ट कर रही है एक केस हमने इसका देखा कि यही चीज एक्स एक्सिस पर एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, है ना यही वाला एक्स एक्सिस पर एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो वहां पर जीरो इंटरसेक्शन हो रहा है एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं कर रहा ठीक है अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना ये एक्स एक्सिस पर दो बार इंटरसेक्ट हो रहा ये एक्स एक्सिस पर एक बार इंटरसेक्ट हो रहा ये एक्स एक्सिस पर एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं हो रहा अगर सर वो दो बार इंटरसेक्ट हो रहा है तो अपने को कैसे पता एक बार हो रहा है तो अपने को कैसे मालूम और एक भी बार नहीं हो रहा तो अपने को कैसे पता देखो अब इनको पढ़ने के लिए हमें एक कंसेप्ट को पढ़ना पड़ेगा वो कंसेप्ट का नाम है डिस्क्रिमिनेंट अब डिस्क्रिमिनेंट पढ़ने के लिए पहले आप लोगों को क्या क्या मालूम होना चाहिए पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए होता है डी प्लस प्लस क्या, प्लस प्लस क्या, क्या होता है आप लोगों का डी होता है आप लोगों का डिस्क्रिमिनेंट और वो निकलता है बी स्क्तर माइनस फोर ए सी से ठीक है सर सर यहां से अब तीन कंडीशन अराइज होंगी मेरे ख्याल से मैंने बोला बिल्कुल सही तीन कंडीशन अराइज होंगी सर उसमें से पहली कंडीशन तो ये होगी कि सर मान लो कि जो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी है अगर वो लेस देन जीरो आया अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो आया तो वहां पे नो रियल जीरोज़ होंगे नो रियल जीरोज़ होंगे ठीक है सर और सर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अगर बराबर जीरो आया तो सर यहां पर टू इक्वल जीरोज होंगे टू इक्वल जीरोज होंगे अब सर अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो आया तो सर वहां पे टू डिस्टिंक्ट रियल जीरोज होंगे बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना ये चीजें तो हो गई इसकी और ये चीजें हो गई हमारे पास इसकी है ना अब मैं आपको एक एक चीज को अच्छे तरीके से प्रूफ करके दिखाता हूं बढ़िया तरीके से क्योंकि क्लियरिटी भी देनी है ठीक है सर लेकिन एक बात तो है बोले क्या सर ये सारी ये सारे सर इसको नाम दे दो, फर्स्ट इक्वेशन, इसको नाम दे दो सेकंड और इसको नाम दे दो सर थर्ड सर अब आंख बंद करके क्या उठा लो पहली इक्वेशन उठा लो सर एक्स स्क्वाइनस टू एक्स माइनस एट ठीक है अब सर ध्यान से समझना इसको कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तो ए हमारे पास कितना आ गया ए आ गया वन बी कितना आ गया माइनस टू सी कितना आ गया माइनस एट ए वन बी माइनस टू सी हमारे पास कितना आ गया माइनस एट अब हमें क्या निकालना है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालना है और इसी बी स्क्वायर माइनस फोर को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं इसको डिस्क्रिमिनेंट ध्यान रखना क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ठीक है बी स्क्वायर माइनस फोर सर बी स्क्वायर डालो मैंने बोला लो डालो माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस एट सर ये हो गया हमारे पास फोर एट फोर जा थर्टी टू प्लस में सर ये तो दे रहा है थर्टी सिक्स अच्छा अब मुझे बताओ थर्टी सिक्स इसमें कहां पर आएगा सर जब हमने देखा तब हमें ये पता चला कि सर जो इसका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो थर्टी सिक्स है और सर थर्टी सिक्स इज ग्रेटर देन जीरो अब सर अगर थर्टी सिक्स इज ग्रेटर देन जीरो अब आप मुझे बताओ वो यहां आएगा यहां आएगा या फिर यहां पर आएगा सर वो तो इस केस में आ रहा है और सर इस केस में हमको दो डिस्टिंक्ट रियल जीरोस मिलते हैं मतलब सर दो अलग अलग रियल यही वाला केस है हम लोग यही वाले केस में दो बार इंटरसेक्ट कर रहा था ग्राफ पे है ना लेके चलिए सर मेरे को वहां पर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट पर ये रहा सर सर यहां पर दो पॉइंट पे क्या कर रहा है सर वो इंटरसेक्ट कर रहा है और सर यहां पर इसके दो ही जीरोस पॉसिबल हैं तो विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हम सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखकर हम बता देंगे कि वो ग्राफ पर कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा ठीक है सर सर सेम उसी तरह अगर हम लोग बात करें तो सर ऐसे तो हम लोग बाकियों का भी बता सकते हैं मैंने बोला बिल्कुल बता सकते हो क्यों नहीं बता सकते हो अब बात को ध्यान से समझना अब हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया तो यहां पर हमको क्या पता चला कि टू डिस्टिंक्ट रियल जीरो और यहां पर हम लोग एक वर्ड बोल और बोल सकते हैं टू अनईक्वल जीरोस ठीक है सर कैसे मिलेंगे दो अनइक्वल जीरो मिलेंगे ये हो गया हमारा फर्स्ट केस अब आ जाओ बात कर लेते हैं हमारे सेकेंड केस की अब सर सेकेंड केस क्या बोलता है सेकेंड केस है सर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन ठीक है सर सर इसको अगर हम लोग कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तो सर ए हमारे पास कितना है मैंने बोला ए हमारे पास वन है बी हमारे पास माइनस सिक्स है और सी हमारे पास नाइन है उस हिसाब से अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो वो हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो सर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बोले तो माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू नाइन ठीक है सर ये हो जाएगा थर्टी सिक्स माइनस थर्टी सिक्स मतलब सर जीरो आ रहा है सर जीरो इस केस में कहां पर आ रहा है यहां पर आ रहा है तो सर दो इक्वल जीरो होंगे यहां पर यहां पर टू इक्वल जीरोज होंगे और अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो तो एक हम लोगों ने ग्राफ ऐसा ड्रॉ किया था जहां पर वो जो पैरा बोला जा रहा था वो एक ही पॉइंट पर क्या कर रहा था उसको इंटरसेक्ट कर रहा था एक ही पॉइंट पर वो उसको क्या कर रहा था एक सेक्सेस के इंटरसेक्ट कर रहा था वो एक पॉइंट उसका कौन सा था वो एक पॉइंट था उसका थ्री तो वहां पर हम लोगों ने बोल दिया कि पॉइंट तो एक है लेकिन वहां पर जीरो कितने हैं दो हैं पॉइंट तो एक है लेकिन जीरो कितने है, दो हैं अब देखो जरा देखो देखा क्या देखा सर सर पॉइंट तो एक ही है पर सर जीरोस देखो आप कितने जीरोस तो दो है सर सेम जीरोस है ना सर इक्वल जीरोस है। तो इक्वल जीरोस कब पता चलेगा जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो होगा ठीक है सर अब सर थर्ड वाला केस भी देख ही लेते हैं लगे हाथ थर्ड वाला केस देख लेते हैं। ये वाला एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है पर इसके दो इक्वल जीरोस होंगे अगर एक बार करेगा तो है ना ठीक है अब बात कर लेते हैं हम लोग थर्ड वाले के लिए थर्ड वाले की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास है टू एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फाइव तो ए है, है हमारे पास टू बी है हमारे पास माइनस का फोर सी है हमारे पास फाइव ठीक है बी हमारे पास हो गया माइनस का फोर का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए हो गया टू और सी हो गया हमारे पास फाइव सर ये हो गया हमारे पास सिक्सटीन माइनस फोर टू जा एट फाइव ज फोर्टी सर अब बात को ध्यान से समझना सर जब हम यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा सर माइनस का ट्वेंटी फोर कितना आएगा माइनस का ट्वेंटी फोर लेस देन जीरो सर जीरो से छोटा है निगेटिव नंबर है ना जीरो से छोटा है अगर सर बी स्क्वायर माइनस फोर सी जीरो से छोटा है वहां पर सर हमें नो रियल जीरोज मिलेंगे रियल जीरोज ही नहीं मिलेंगे नो रियल जीरोज समझ गए बात को अब सर ऐसा ही केस हमको कहां पर देखने को मिला यहां पर देखने को मिला था सर देखो ना x एक्सिस पर ये पूरी x एक्सिस पर ये पैराबोला टच भी नहीं हुआ पैरा बोला टच भी नहीं हुआ और टच भी नहीं हुआ इसलिए हम लोगों ने क्या बोल दिया कि वहां पर हम लोगों को नो रियल जीरो मिलेंगे है ना क्या मिलेगा नो रियल ठीक है सर समझ गए तीनों केस ही आसान लगे हमें तो है ना तीनों केस भी आसान लगे और सर विद ही हम बता देंगे अब पर नहीं अगर वो ग्राफ ड्रॉ करने को बोलेगा ऑफ द गिवन पॉलिमियल तो हाँ सर तो हम लोग ड्रॉ करके भी बता देंगे कोई दिक्कत नहीं चलो तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई अच्छे तरीके से पक्का ना पक्का सर बहुत अच्छे तरीके से आ गई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे अब समझना कि क्या है ठीक है देखो लीनियर शुरू किया था लीनियर क्लियर हो गया क्वाड्रेटिक शुरू करा था क्वाड्रेटिक तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया और साथ ही साथ हमें तो इस पैराबोला का मतलब भी समझ में आ गया ठीक है सर पैराबोला का मतलब समझ में आने के बाद अब बारी आती है क्वेश्चंस की अब क्वेश्चंस करना पड़ेंगे सर मैंने बोला करने तो पड़ेंगे यार चलो करते सर एग्जांपल नंबर वन बोल रहा है लुक एट ग्राफ्स इन द फिगर गिवन बिलो ठीक है ईच इज द ग्राफ ऑफ वाई बराबर पी एक्स वाई बराबर पी एक्स क्या मतलब पी एक्स आपका एक पॉलिनोमियल होगा जैसे मान लो मान लो मान लो जैसे पीएक्स अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट वही जो हम लोग बना के आ चुके हैं इसी को ये बोल रहा है वाई पी एक्स को ये क्या बोलना चाह रहा है भाई? में वाई मतलब क्या होगा? एक PX होगा तो यहां पर एक्स की वैल्यूज ही निकलेंगी यहां पर किसकी वैल्यू निकलेंगी एक्स की वैल्यूज निकलेंगी अब सर पॉसिबिलिटीज तो ये ना कि हो सकता है दोनों एक्स अलग अलग आ जाए हो सकता है दोनों एक्स सेम आ जाए हो सकता है सर एक्सी ना आ पाए हो सकता है सर ना, ना आ पाए ठीक है अब ये तो हो गई क्वाड्रेटिक की बात मतलब क्या कि एक्स एक्सिस पर जितनी बार ये इंटरसेक्ट करेंगे उतने जीरोज इनके क्या है भैया पॉसिबल है फिर से ध्यान से समझो जितनी बार एक्स एक्सिस पर ये लोग इंटरसेक्ट करेंगे उतने जीरोज इनके क्या है पॉसिबल है ठीक है जहां पर पीएक्स आप क्या बोल रहा है कि क्या है एक पोलिनोमियल है इज अ पोलिनोम फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड नंबर ऑफ ऑफ दीरोक्स सीधी बात है आपको क्या करना है देखना है एक्स एक्सिस देखा एक्स एक्सिस पर ये जो पॉइंट है ये कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को सर एक बार तो इसके कितने जीरोस पॉसिबल है सर एक जीरो कितने जीरो एक जीरो तो इसका आंसर क्या हो गया फर्स्ट वाले का कितने जीरो से एक जीरो ठीक है चलो सेकंड वाला करेंगे सेकंड वाले में सर ये जो ग्राफ है ये सर दो बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं अब सर अगर ये दो बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब इसकी दो वैल्यूज है अच्छा तो सर इसके तो दो जीरोस पॉसिबल है इसके तो दो जीरो पॉसिबल है सर और अगर इसके दो जीरो पॉसिबल है तो ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है वो बताओ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बताओ कहा बताएं सर मैंने बोला सीएस में बताओ ठीक है सर बता देंगे अब सर ये जो थर्ड वाला है सर ये एक्स एक्सिस पर तीन बार इंटरसेक्ट कर रहा है सर तीन बार कर रहा है मैंने बोला हाँ सर तीन बार कर रहा है तो इसके कितने जीरोस पॉसिबल है, सर तीन है। अब ध्यान से समझना अब इसको देखो ये एक्स एक्सिस पर कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है बोल रहा है सर एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब सर इसके कितने जीरोस पॉसिबल है एक ही जीरो पॉसिबल है सर एक ही जीरो इसका पॉसिबल है क्योंकि एक्स एक्सिस पर ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ठीक है सर इसको देखो जरा सर ये कैसा है सर एक ही पॉइंट पर ये क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है एक ही पॉइंट है ना सर हाँ एक ही पॉइंट है तो इसके कितने हैं सर एक ही जीरो पॉसिबल हो पाएगा लेकिन सर ये तो पैराबोला जा रहा है तो इक्वल रूट होगा ना भाई इसका इक्वल जीरो होंगे इक्वल जीरो मतलब वैल्यू तो एक ही है जीरो तो एक ही है पर दोनों सेम होंगे ठीक है सर सर ये वाला देखा जाए तो मैंने बोला अब इसका देखो एक बार दो बार तीन बार चार बार ठीक है सर मतलब फिफ्थ वाले में कितने जीरोस पॉसिबल है सिक्स वाले में फोर जीरोस पॉसिबल है Osionfish. अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना पहला वाले में क्या था एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा था एक्स एक्सिस को अगर एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को तो एक ही जीरो पॉसिबल है अगर एक ही जीरो पॉसिबल है मतलब ये कौन से टाइप का पॉलिनोम है लीनियर है क्वाड्राटिक है क्यूबिक है बाय क्वाड्राटिक है सर ये तो लीनियर दिख रहा है एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है अच्छा सर ये दो बार कर रहा है तो सर ये तो क्वाड्रेटिक है सर ये तो तीन बार कर रहा है मतलब सर ये क्यूबिक है सर ये तो एक बार कर रहा है मतलब ये लीनियर है सर ये एक बार कर रहा है मतलब सर लीनियर है नहीं सर लेकिन ये तो पैराबोला फॉर्म कर रहा है अगर ये पैराबोला फॉर्म कर, कर रहा है और अगर एक्स एक्सिस पर एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो अब बच्चे यहां पे उलझ जाते हैं खैर मैं तो जानता हूं आप सुलझे हुए हो आप इसलिए सुलझे हुए क्योंकि पैराबोला दिख रहा है और एक ही आपको क्या दिख रहा है जीरो दिख रहा है लेकिन वो एक ही जीरो दो बार जीरो है क्योंकि ये इक्वल जीरो की कंडीशन है इक्वल जीरो में क्या होगा हमारे पास ये जो जीरो है वो दोनों सेम होंगे है ये कैसा पॉलिनोमियल ये क्वाड्राटिक पॉलिनोमियल है अच्छा ये कैसा पॉलिनोमियल है सर ये बाय क्वाड्राटिक लग रहा है क्योंकि चार बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पर समझ गए बात को बढ़िया तरीके से एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ले लिया स्क्रीनशॉट पक्का हाँ सर ले लिया बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट अब सर बात को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हमें समझ में आ गई अब आप लोग ध्यान से तो समझना आप लोगों के लिए यही क्या है एक नया क्वेश्चन है आप लोगों को होमवर्क क्या करना है आप लोगों को होमवर्क करना है कि मैंने जितने भी क्वाड्राटिक पॉलिनोमियल्स को जितने भी क्वाड्राटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करवाया है ना वो आपको सॉल्व करने हैं, सॉल्व मतलब उनके ग्राफ ड्रॉ करने आपको, ग्राफ को क्या करना है आपको ड्रॉ आप करना है उनके ग्राफ करने के लीनियर का भी ग्राफ ड्रॉ करना है लीनियर का भी ग्राफ ड्रॉ करने के बाद क्या करना पड़ेगा सर लीनियर का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद फिर आपको करने पड़ेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम एन टी से कर लो या आर डी शर्मा से कर लो ठीक है ये होमवर्क रहेगा आज का कर लोगे पक्का वादा करके जा रहे हो वादा करके जा रहे हैं सर कर लेंगे ये पूरा ठीक है ना जो ड्रॉ करवाए वो ड्रॉ करना एक बार फिर से करना अगर कर लिया है तो ठीक है ठीक है सर तो अब आप लोग गैस कीजिए क्या होगा अरे सर अब तो कुछ है ही नहीं सर तो बस इतना ही था जिसमें कि हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक क्वराटिक या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोम को बहुत अच्छे तरीके से समझा सर आपने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोम क्यों बोला क्योंकि क्वाड्रेटिक का ही मेन है इस पूरे चैप्टर में इस पूरे चैप्टर को पोलिनोमियल को जो लिया गया है उसमें मेन चीज क्वाड्रेटिक पोलिनोम है अगर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अच्छे से समझ लिया तो पूरा खेल निपट गया समझ गए बात को पक्का

आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम व्हाट्सएप पे और अगर आपको हमारी ई ई बुक्स या नोट्स अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाय बाय अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह पढ़ाई करते रहें बाय बाय